जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री मुजफ्फर हुसैन बेग आज बारामूला पहुंचे, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मुजफ्फर हुसैन बेग ने परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि परिसीमन लोगों के हिसाब से नहीं बल्कि कुछ लोगों के हिसाब से किया गया है। इन्विटेशन में काफी गड़बड़ हो गया। कुछ लोगों ने जो अपने उनके दिल्ली में है, कुछ लोग जो उनकी मदद करते हैं, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी को ऐसे आप सोचिए, समिति की बात छोड़ दीजिए, पार्लियामेंट में पुलिस को लगाया है साउथ कश्मीर के साथ, ये कैसे कॉन्स्टिट्यूंसी बन सकती है? आधा पुलिस राजौरी और साउथ कश्मीर और उसको मिला के पार्लियामेंट, ये कैसे हो सकता है? ऐसे ऐसी गलतियां हुई और कुछ लोगों ने ये कराई है। बेग साहब, क्या आने वाले आप खुद हिस्सा लेने जा रहे हैं? हाँ। मैं लोगों की राय, मैं तो बात करने के लिए मैं बैठा हूँ, उत्तर इलेक्शन लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, मैं अपने लोगों से बस। तो बेग साहब, आपसे जानना चाहूंगा, पीएजीडी से किनारा किसी क्यों की? बेग साहब ने जब पहली मीटिंग हुई उसमें मुझे इख्तियार दिया गया कि मैं उस मीटिंग की मैं जो कुछ बहस हुई उसके मुताबिक मैं तहरीर करूं एक कागज पे, और शाह फैसल नाम सुना होगा आपने, वो भी उस वक्त सरकारी मुलाजमत उसने छोड़ दी थी, वो और दो तीन और लोग उनको नामजद किया। हम नीचे बैठे तो मैंने डिक्टेट किया और फैसल साहब ने लिखा, और वो हमारा मुश्तरका, वो एक हमारा एक मुश्तरका गाइडलाइन था, और वह हमने पढ़ा, फारूक साहब ने पढ़ा, मैं उनके साथ बैठा था। दूसरी मीटिंग जब हुई तो हमें दावत ही नहीं दी गई। ओके, दूसरी मीटिंग जब इन्होंने की तो हमें नहीं बुलाया। नशा में अब मुझे इस मौके पर ने कश्मीर घाटी में हो रही हत्याओं और अन्य मुद्दों पर भी बात की, जिसमें ज्यादा पंडित मारे जाते हैं मुसलमान भी मारे जाते हैं, लेकिन ज्यादातर कश्मीरी पंडित, और कश्मीरी पंडित को जब कत्ल किया जाता है तो आप समझिए वो कश्मीर के लोगों की बदकिस्मती है, जो लोग किसी दूसरे मुल्क या किसी दूसरी जमात या किसी सियासतदान के कहने पर पलटू कुमार साहब, वो अल्लाह ताला के नजदीक यहाँ भी मुजरिम होगा, जलील होगा।